नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बिल्कुल ही चटपटा और नए नाश्ते की रेसिपी लेकर आए हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही अलग और अनोखे तरीके से बना के तैयार करेंगे, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। घर में रखे मैगी और कुछ सामान से इस नाश्ते को आप झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। नाश्ता साथ ही साथ एक अलग तरीके का चटनी बना के तैयार करेंगे, बहुत ही चटपटा और बहुत ही अच्छा लगता है इस नाश्ते के साथ। तो चलिए फिर फटाफट से आज का नाश्ते की रेसिपी देख लेते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चटपटा नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ वाला एक मैगी का पैकेट ले लिया। बहुत ही अच्छा अनोखा नाश्ता आज हम बना के तैयार करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। इसको मैंने ऊपर से खोल लिया और इसके अंदर से जो टेस्ट मेकर निकलता है ना, वो मैंने अलग रख दिया, इसको बाद में हम आगे रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो मैगी को मैंने एक कंटेनर में निकाल लिया। इसके बाद मैं 2 से 3 कप पानी डाल दूँगी और मैगी अच्छे से डूब जाना चाहिए पानी में। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और यहाँ पे 1 चम्मच मैं तेल डालूँगी। इससे हमारा जो मैगी होगा ना, बिल्कुल चिपचिप नहीं बनेगा और बहुत खिला खिला बनेगा। इसके बाद गैस के ऊपर मैंने इसे रख दिया है और लो से मीडियम फ्लेम में इसको हमें 50 से 60% जब तक पकता नहीं है पका लेना है। पूरा इसको पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, 50 से 60% हम इसको पकाएंगे ताकि जो इसका जो ऊपर का लेयर है वो अच्छे से पक जाए और ये कच्चा ना रहे। पूरी तरीके से पकाना नहीं है क्योंकि आगे भी हम इसे कुक करेंगे। तो दोस्तों, अक्सर हम बिरयानी भी बनाते हैं तो उसका चावल क्या करते हैं, थोड़ा सा पकाते हैं और आधा कच्चा रखते हैं ना, क्योंकि बिरयानी आगे जाके भी पकता है। उसी तरीके से इसको देखिए इस तरीके का होना चाहिए। तब तक हम इसे पका के तैयार कर लेंगे और ये अब तैयार है। इसको हम अलग रख देंगे, गैस हम ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे एक छलनी में और इसे हमें अच्छे से पूरा ठंडा कर लेना। इसके बाद ही हम आगे रेसिपी में इसको यूज़ में लाएंगे। तो नीचे का जो पानी है वो हम निकाल के फेंक देंगे और बाकी को हमें ठंडा करके इसे रख देना है। तो देखिए हमारा मैगी अच्छी तरीके से ठंडा हो गया, थोड़ा सा जम गया है। ठंडा होने के बाद मैगी अक्सर इसी फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हमने पहले तेल लगाया था। आप हाथ में भी थोड़ा तेल लगा के इसको इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं, करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो इसको मैंने अच्छे से कर लिया है, तो मैगी को मैंने अलग अलग कर लिया, ये अभी तैयार है, इसको अलग रख देंगे। इसके बाद मैंने एक कंटेनर लिया, इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल करी क्योंकि आज हम हेल्दी वर्जन बनाएंगे, आप चाहे तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद डालूंगी टेस्ट मेकर, हमने जो अलग हटा के रखा था, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आएगा दोस्तों। तो इसको पूरा मैंने डाल दिया। इसके बाद कुछ सब्जी मैंने अलग से काट के रखा था तो यहाँ आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम डालेंगे 2 हरा मिर्च बारीक काट लिया था, बारीक कटा हुआ प्याज। दोस्तों हर चीज़ को आपको बारीक बारीक काटना है, सभी सब्जी को। इसके बाद गाजर मैंने डाला है बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसको डाल सकते हैं, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारा आज नाश्ता बन के तैयार होगा। इसके बाद 1/4 कप गाढ़ा दही मैंने डाल दिया है, इसे बहुत ही सॉफ्ट अंदर से बनेगा और ऊपर से बिल्कुल ही कुरकुरा बनेगा दोस्तों। इसके बाद हमने यहाँ पे मैगी जो उबाल के रखा था ना, ठंडा हो गया, इसको अलग अलग कर लिया, इसको भी हम पूरा डाल देंगे इसमें। अब हमें दोस्तों क्या करना है, बिल्कुल ही हल्के हाथ से हमें इसको मिलाना है, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना है क्योंकि हमने जो मैगी अभी बनाया ना, ये अच्छे से कुक हो गया। अगर आप ज़्यादा मैश करेंगे ना तो ये बिल्कुल आटे के साथ मिल जाएगा, तो इसका जो लेयर है वो उसी तरीके से रहना चाहिए। तो हल्के हाथों से मैं इसे जस्ट मिला रही हूँ दोस्तों। आप चाहे तो इसमें और भी कुछ मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये सिंपल ही रख रही हूँ। और देखिए अच्छे से आपको मिलाते हुए इसे गूंथना शुरू करना है। देखिए आप देखिए, इसमें हमने प्याज डाला है, मैगी में भी नमी है तो आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, जस्ट 2-2 बूंद करके मैं पानी डाल रही हूँ और अच्छे से गूंथ रही हूँ। साइड साइड में जो एक्स्ट्रा जो इससे मिल नहीं रहा है ना, उसके लिए मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। देखिए थोड़ा सा मैंने मिला लिया, अब मैं थोड़ा सा और इसमें पानी डालूंगी। नीचे का जो एक्स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हैं ना, वो इससे मिल नहीं रहा है तो थोड़ा सा और पानी डालूंगी। बस इससे ज़्यादा हमें इसमें पानी नहीं डालना है। अच्छे से हल्के हाथों से आप मिलाएंगे ना दोस्तों, तो अच्छी तरीके से ये आटा गूंथ के इसका तैयार हो जाता है दोस्तों। ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना है इसको गूंथते हुए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा जो सब्जी है, मैगी है और हमने जो आटा डाला, अच्छे से ये मिल गया है और बहुत ही अच्छा एक आटा लग के तैयार हो गया दोस्तों। दोस्तों इसका आटा लगाते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा पानी शुरू में नहीं डालना है, नहीं तो ये बिल्कुल ही गीला और चिपचिपा हो जाएगा, फिर आपको बार बार आटा इसमें डाल के इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे स्वाद
बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। हमारा आटा लग के तैयार है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा आधा से एक चम्मच तेल डाल देंगे और अच्छे से मिला के हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देना है दोस्तों। तो ये अब तैयार है, इसे अब मैं ऊपर से ढक के अलग रख दूंगी। तो दोस्तों 10 मिनट हो गया है और ये आटा लग के बिल्कुल ही तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसका झटपट से नाश्ता बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोर्ड ले लिया है और यहाँ पे हमें चाहिए आटा, और आटे की जगह आप यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे को अच्छे से छिड़क लेना है बोर्ड पर, और हमने जो आटा गूंथ के लगाया था वो हमें रख देना है, और जस्ट हल्के हाथों से इसे हमें थोड़ा सा फैलाना है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बेलन का इस्तेमाल करती हूँ ना दोस्तों और प्रेशर लगाती हूँ तो ये फटना शुरू हो जाएगा। तो हमें जस्ट हल्के हाथों से आटा लगाते हुए दोनों तरफ से हमें इसे थोड़ा सा पहले फैला लेना है, उसके बाद हम बेलन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आटे को अच्छे से मैंने फैला लिया और अब हम धीरे धीरे हल्के हाथों से बेलन का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से आपको इसको नहीं फैलाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हाथ और बेलन का इस्तेमाल करते हुए मैंने अच्छे इसको फैला लिया है। जहाँ पे ये फटते जा रहे हैं ना दोस्तों, आपको हाथों की सहायता से इसको जोड़ते जाना है और अच्छे से फैलाते जाना है। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से चारों तरफ से फैला लिया है और ये जस्ट इवन हो गया है। जहाँ से थोड़ा सा मोटा रहता है वहाँ से दबाते हुए आपको इस तरीके से करना है और 1 इंच आपको मोटा इसे रखना है। और अब ये तैयार है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लास लेंगे, आपके पास कुकी कटर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको गोला काटते जाना है। तो यहाँ पे लगभग देखिए इस तरीके से कट के हमारा तैयार हो रहा है, और देखिए कितना ज़बरदस्त ये पैटी की तरह लग रहा है। और बनने के बाद ना ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, बहुत ही चटपटा और बहुत ही शानदार। और इसी तरीके से मैं इसे काटते जा रही हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से एक प्लेट में हमको निकालते जाना है। देखिए कितना ज़बरदस्त शेप इसका आया है, और इसका आप मोटाई देख सकते हैं ना, 1 इंच की तरह ये बना है। तो ये तैयार है। तो चलिए फटाफट से इसी तरीके से बाकियों को भी हम बना के तैयार कर लेंगे, और जो एक्स्ट्रा गुथा हुआ आटा बचा है ना इसको भी हमको मिला के इसी तरीके से चपटा कर लेना है। इससे भी हमें नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, हमने ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे, और इसे शैलो फ्राई करना है। तो 1 बाय 1 हमें इन्हें रखते जाना है, और नाश्ते को लो से मीडियम फ्लेम में सुनहरा होने तक दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। और इसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा झटपट से बनने वाला नाश्ता। खाने में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े का लगता है दोस्तों। एक बार इस रेसिपी को मेरी तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। इसके बाद हमें इसे टर्न करते जाना है। 3 से 4 मिनट में एक तरफ से ये सिक जाते हैं, बिल्कुल ही गोल्डन हो जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, अंदर से बहुत ही मज़े के लगते हैं क्योंकि हमने इसमें दही डाला है। बहुत ही अलग टेस्ट आएगा दोस्तों। तो देखिए इसी तरीके से सभी को हमें अच्छे से पका लेना है। तो दोस्तों दूसरी तरफ से भी अच्छे से ये सिक गए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। मुझे तो अभी लग रहा है इन्हें निकाल के मैं खा लूं, लेकिन क्या करूं, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इन्हें पहले ठंडा करना, उसके बाद हम इसको एंजॉय कर पाएंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, अब हमें इन्हें निकाल लेना है। तो दोस्तों ये अच्छे से अब सिक गए हैं, इन्हें हमें निकाल लेना है फटाफट से। तो इसी तरीके से मैं इन्हें निकाल लूँगी, और देखिए कितने अच्छे और ज़बरदस्त ये दिख रहे हैं दोस्तों अभी से, बहुत ही गर्मा गर्म है। इसी तरीके से बाकी नाश्ते को भी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं सेकेंड बैच में भी बाकियों को फ्राई करके निकाल लूँगी। इसी तरीके से आप इस नाश्ते को झटपट से बना सकते हैं, या फिर कोई मेहमान आते हैं आपको समझ नहीं आता क्या आप बनाएं नया उनके लिए, तो झटपट से इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए अब ये पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आपको एक चटनी की रेसिपी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है थोड़ा सा केचप, यहाँ पे 1/4 कप केचप मैंने ले लिया है, टोमेटो केचप। इसके बाद हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, मेयोनीज़। जी हाँ, बहुत ही अच्छा ये चटपटा डिप बनता है। तो 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पे मेयोनीज़ डालेंगे, जितना आपको पसंद है उतना डालें और इस झटपट से बनने वाले डिप को तैयार करें। बहुत ही मज़े का और लाजवाब ये बनता है, बहुत ही टेम्प्टिंग ये बनता है चटपटा। तो यहाँ पे 1 चम्मच के बाद मैंने 1/2 चम्मच और डाल दिया, और इसे अच्छे से मिला के तैयार कर लूँगी।
तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिर्ची को भी हम फ्राई कर लेते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा लगेगा ये नाश्ता। हम ठेले पे भी जाते हैं ना, तो मिर्ची फ्राई हमको मिलता है, तो हम यहाँ पे थोड़े से तेल में इसको मिर्च को हम फ्राई कर लेंगे और झटपट से तैयार हो जाएगा हमारा नाश्ता। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, छिड़क देंगे, जिससे इसका जो टेस्ट है ना और बढ़ जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसको जब आप मिर्च को फ्राई करते हैं ना, थोड़ा सा आप इसमें पहले चीरा लगा लें चाकू से, उसके बाद ही इस तरीके से फ्राई करें। तो ये तैयार है, इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो दोस्तों नाश्ते को मैंने सर्व कर लिया और यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि हमारा जो चटनी या डिप आप बोल सकते हैं, कितना अच्छी तरीके से तैयार हो, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी लग रही है। ये बहुत ही अच्छा लगेगा इसके साथ। ऊपर से थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स डाल दूँगी इसको और चटपटा और लाजवाब बनाने के लिए। और लीजिए, पेश है, तैयार है हमारा झटपट से बनने वाला मैगी का बहुत ही अनोखा और लाजवाब नाश्ता, जिसको खाने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और पूरा प्लेट सफाचट कर जाएंगे, इतना टेस्टी और यमी ये बनता है। तो एक बार अपने बच्चों के लिए इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें। एक ही तरीके का मैगी खा के अगर आप बोर हो गए ना, तो इस तरीके का लाजवाब और चटपटा नाश्ता आप ज़रूर बना के घर पे एक बार ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़े के बने, अंदर से बिल्कुल ही नरम सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरे, और ये चटनी और डिप के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। आई होप आज का झटपट और टेस्टी नाश्ता आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आता है ना दोस्तों, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं कौन नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।